Hello friends, my name is Sartaj. Today in this video I will show you how to make a real time actual battery indicator and tester, in short Rabbit. So now let's begin the video. Rabbit ka circuit kafi simple hai, jo students abhi class 7th se 9th mein hai, jinhe abhi zyada knowledge nahi hai electronics ki, wo bhi ise easily bana sakte hai, bas soldering thodi achhi honi chahiye. Rabbit ka circuit LM3914 IC के अराउंड बेस्ड है. LM3914 IC एक मोनोलिथिक IC है. ये IC एनालॉग सिग्नल्स को पिक करती है और उससे 10 LEDs पे लीनियर डिस्प्ले करती है. रैबिट के अंदर टू मोड्स हैं. द फर्स्ट मोड इज द ग्राफ मोड. इसका मतलब मैं अभी से 12 वोल्ट दे रहा हूँ, फिर लास्ट LED तो ऑन है और उसके पीछे सारी LEDs भी ऑन है. और जब मैं इसे 9 वोल्ट दूंगा, अब मैं इसे 9 वोल्ट दे रहा हूँ, अपनी डीसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई यूज़ करो तो थोड़ा इजी है. तो अब ये फर्स्ट की 2 LEDs ऑन है और बाकी सब ऑफ. सो द सेकेंड मोड इज द डॉट मोड और द पावर सेविंग मोड विच इज दिस वन. अब भी मैं इसे 12 वोल्ट दे रहा हूँ तो बाकी सारे पहले LEDs ऑफ है और सिर्फ लास्ट वाली LED ऑन है. तो मैं इसे 9 वोल्ट दूंगा. तो अब मैं इसे 9 वोल्ट दे रहा हूँ तो सिर्फ सेकेंड LED ऑन है, पिछली वाली ऑफ है और उसके आगे सब ऑफ है. इसका मतलब, अब इन दोनों मोड्स का मतलब क्या हुआ कि जब मैं इसे ग्राफ कर रहा हूँ और ये डॉट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं LM3914 IC की पिन नंबर 9 पे पावर प्रोवाइड करना बंद कर रहा हूँ जब ये डॉट मोड पे, और जब ये ग्राफ मोड पे तब मैं इसकी पिन नंबर 9 पे पावर दे रहा हूँ. सो हियर इज वन यूज ऑफ रैबिट. अगर आपके पास है, फिर आपके मॉम डैड के पास कार है और आपको लग रहा है कि अभी उसकी बैटरी डेड है या फिर वो थोड़ा टाइम ले रही है स्टार्ट होने में, तो आप उसकी बैटरी को रैबिट के थ्रू चेक कर सकते हैं. आपकी कार की लगी बैटरी के ऊपर आप इसकी 2 वायर्स को कनेक्ट करो और कार को स्टार्ट करो. जब कार स्टार्ट होती है तो बैटरी पर थोड़ा लोड पड़ता है, तो उसकी वोल्टेज थोड़ी देर के लिए कम होती है, तो आप उसे चेक कर सकते हो कि आपकी बैटरी की हेल्थ कितनी है. तो आप इसकी 2 वायर्स को उस पर लगाओ और आप अपनी कार को स्टार्ट करो. और अगर आपकी कार जब स्टार्ट हुई है तो उसकी अगर हेल्थ येलो तक जाती है तो आपकी कार की बैटरी को रिप्लेसमेंट चाहिए. अगर वो ग्रीन तक रहती है तो वो ठीक है, अभी यूज़ हो सकती है. सो हियर इज़ वन इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ दिस वीडियो विच इज़ कैलिब्रेशन. अभी मैं इसे 12 वोल्ट के साथ यूज़ कर रहा हूँ, मतलब ये सारी LEDs अभी ऑन है. और अब मैं इसे 9 वोल्ट तक लेके जाऊंगा तो ये एंड की सिर्फ 2 LEDs ऑन रहेगी और बाकी सारी ऑफ. ये थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है और थोड़ा मुश्किल हो सकता है गेस करना कि कितनी वोल्टेज आ रही है. तो ये ना होए इसलिए आपको कैलिब्रेट करना पड़ेगा इसके साथ, पॉट के साथ. अब इस पॉट को घुमा के देख सकते हैं कि आपको कितना कैलिब्रेट करना है. इसके 2 वेज हैं. पहला वे DC रेगुलेटेड पावर सप्लाई, वो ज़्यादा लोगों के पास नहीं होगी, तो एक ईजी वे है जो से रेडीली अवेलेबल होएगा. बैटरीज आप इसे 9 वोल्ट या फिर 12 वोल्ट की बैटरी के साथ कैलिब्रेट कर सकते हैं. ये बॉक्स मैंने अपने मॉम की ओल्ड ज्वेलरी से लिया है. ये बॉक्स से थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है और अच्छा लगता है देखने में. सो नाउ लेट्स गो टू द पार्ट्स एंड द सर्किट डायग्राम रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग दिस प्रोजेक्ट. सो फॉर रैबिट यू विल नीड a LM3914 IC, 10 LEDs, 168K resistor, 147K resistor, 14.7K resistor, a 10K pot, a SPST switch which is single pole single throat micro switch, and a few cables. So now let's go to the circuit diagram. So here's the circuit diagram of Rabbit. Pin number 1 है LED पे, pin number 2 नेगेटिव पे, pin number 3 पे पॉजिटिव है और उसके साथ एक 68K की रजिस्टर है जो सी पॉट की एक लात पे, pin number 4 पे 4.7K की रजिस्टर है जो सी ग्राउंड पे गई है, pin number 5 पे पॉट की, pin number 5 पे पॉट की दूसरी टांग लगी है और उसकी मिडिल लेग नेगेटिव पे, पिन नंबर 6 और 7 साथ में जॉइंड है और नेगेटिव पे जा रहे हैं थ्रू ए 4.7K रजिस्टर, पिन नंबर 8 नेगेटिव पे,
Pin number 9 positive pillar get through the SPST switch, which is single pole single throat switch. Pin number 10 पे blue LED लग गया. Pin number 11 से 13 तक 3 green LEDs है. Pin number 14 से 16 तक 3 yellow LEDs है. और pin number 17, 18 पे ये 2 red LEDs है. और last LED pin number 1 पे है. हर एक एलईडी का एनोड साथ में कनेक्टेड है और पॉजिटिव पे गया. और हम रैबिट को 6 वोल्ट, 9 वोल्ट और 12 वोल्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं. सो नाउ लेट्स मेक इट. सो हियर इज हाउ आई मेड रैबिट. फर्स्टली मैंने कैंडल ली और एक सेफ्टी पिन. मैंने सेफ्टी पिन को कैंडल से गर्म करा और एक बॉक्स पे 2-2 होल्स बनाए एक एक एलईडी के लिए. उसके बाद मैंने हर एक एलईडी को बॉक्स के अंदर फिक्स कर दिया. और फिर मैंने हर एक एलईडी के एनोड्स को साथ में सोल्डर कर दिया. नाउ द सर्किट इज टेकिंग शेप. अब मैंने सिंगल पोल सिंगल थ्रोट स्विच को जनरल पर्पस पीसीबी के साथ फिक्स कर दिया. अब मैंने हर एक एलईडी के कैथोड के लिए एक एक वायर सोल्डर कर दिया. अब मैंने हर एक वायर एलईडी के कैथोड पे सोल्डर कर दिया और मैंने दो वायर्स पावर के लिए भी सोल्डर कर दिया. एंड नाउ अ सर्किट इज कंप्लीटेड. बिफोर एंडिंग दिस वीडियो हियर इज अ शॉर्ट ग्लिम्स ऑफ माय अपकमिंग वीडियो. Thank you guys for watching. Please do like, share and subscribe. And also, you can follow me on Instagram and Facebook at Class Projects by Sartaj. You can also find the exclusive photos of my projects, their description and their code at my website www.technotaj.com. And as always, I'll see you in the next video.